नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और हर्ष की बात यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा बीड झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में आज सफारी का शुभारंभ हो रहा है। ठीक है, सब लोग साथ ही हैं। नहीं, ऐसे चलो ऐसे ही। झुंझुनू बीड़ में जो है सफारी स्टार्ट की गई है आधिकारिक रूप से राजस्थान वन विभाग के द्वारा। हमारे साथ में है मिनिस्टर श्री ओला जी, और आप थोड़ा सा बताएं सर कि झुंझुनू बीड़ में जो ये सफारी जो स्टार्ट हुई है आगे। वन विभाग ने और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से ये आज इसमें ये वर्ल्ड जैव विविधता दिवस को जो शुरुआत की है। अभी हमने यहाँ देखा है 70 तरह के बर्ड तो हम अभी तक देख चुके हैं, और फिर ये चिंकारा हैं, आपके हिरण हैं, दूसरे तरीके वाइल्ड जो एनिमल हैं उन सब का यहाँ बहुत एक तरह से जीव विविधता बहुत अधिक संख्या में है। और ये उपेक्षित एरिया पड़ा था, सरकार ने इसको किया और फिर इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई रही है, इसका डेवलप किया, वाटर होल जो नेचुरल थे उनको डेवलप किया और उस बाद में वो भी बनाए गए। तो एक तरह से झुंझुनू जिले के लिए ही नहीं, जो हमारा ये रूट है टूरिज्म का जो सर्किट है उसमें विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, जो तो उनको भी एक अच्छा देखने का अवसर मिलेगा। झुंझुनू शहर और झुंझुनू जिले के लोगों को तो मिलेगा, सरकार की इसमें बहुत महती योजना है। हम एक इसमें लव कुश वाटिका भी डेवलप कर रहे हैं जिसका बजट में घोषणा करवाई थी, जो घुसते ही है जहाँ से पानी सड़क पर फैलता है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा स्पॉट ये जगह मिलेगी यहाँ। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सर एक छोटा सा संदेश चैनल के माध्यम से। पर्यावरण है तो दुनिया है। धन्यवाद सर। स्वागत और अभिनंदन परिषद माननीय राजस्थान सरकार ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। अनुकंपा और आराधना की जा रही है कि सबको शिव जैसी शक्ति मिले, भीष्म जैसी भक्ति मिले, गणेश जैसी सिद्धि मिले, चाणक्य जैसी बुद्धि मिले, मां शारदे का ज्ञान मिले। माननीय आज के कार्यक्रम में सुरेंद्र जी शर्मा साहब जिला कलेक्टर महोदय का माला पहनाकर, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। बहुत एक बार सभी लोग गड़गड़ाहट भी तानिए सर, भाई कानून है क्या, कायदा है क्या, इतना सुंदर में जो बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व में जो सफारी स्टार्ट हुई है
जो आज यहाँ आयोजन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, उसके बारे में चैनल के माध्यम से। ऐसा है जुनेजा जी, आज विश्व जैव विविधता दिवस के उपलक्ष में हमारे बीड़ नैनू कंजर्वेशन रिजर्व में सफारी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ब्रजेंद्र जी ओड़ा, परिवहन एवं सड़क मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। उसमें मुख्य रूप से जो झुंझुनू प्रधान जो श्रीमती चाहार और नगर सभापति नगमा मानो, जिला कलेक्टर झुंझुनू, एसपी झुंझुनू, एडीएम झुंझुनू तथा अन्य सभी विभागों के, पर्यटन डिपार्टमेंट के सहायक निदेशक एवं सभी विभागों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उद्घाटन फीता काटने के बाद मंत्री महोदय तथा अन्य सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगणों एवं अन्य से पौधारोपण का कार्यक्रम करवाया गया। उसके पश्चात भीड़ में 5 जिप्सियां एवं अन्य वाहनों द्वारा मंत्री महोदय तथा अन्य सभी जिले के अधिकारी सबने भीड़ झुंझुनू का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री ओला साहब को ब्लैक बक और चिंकारा बगते हुए अटकेलियां करते हुए नजर आए। सर, पर्यटन की दिशा से देखें या वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अगर हम देखते हैं या हम बात करते हैं, तो ब्लैक बक और चिंकारा जो पहले यहाँ रिलोकेशन किए गए थे, क्या ऐसी आगे भी कोई विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना है जिससे कि रिलोकेशन करके इनकी संख्या में वृद्धि की जा सके, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके? अभी हमने रिलोकेशन के लिए अभी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दालछापर अभ्यारण्य में जो ब्लैक बक सक्सेस हो गए हैं उनको दूसरे एरियाज में रिलोकेट करना है, तो उसी कड़ी में हमने 500 ब्लैक बक बीड़ झुंझुनू के लिए मांग की है और उसकी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर ने भारत सरकार को उसकी अनुमति के लिए प्रक्रियाधीन है, वो जल्दी हमें उम्मीद है स्वीकृति मिल जाएगी, उसके बाद करेंगे तो इस एरिया में और 4 चांद लगेंगे। इसके अलावा बीकानेर मुकाम पे है, बीकानेर जंतुवालय में चिंकारा ब्लैक बक जो रेस्क्यू किए हुए या जू में हैं उनको भी हमें अनुमति मिली है। 125 मुकाम पे जो बीकानेर क्षेत्र में एक रेस्क्यू सेंटर है उसमें हमें अनुमति मिली है, तो हम प्रयास करके उनको भी लाने का यहाँ प्रयास करेंगे। जो विश्नोई समाज के जो इनका संरक्षण करते हैं उनको भी हम एरिया का विजिट कराएंगे, बताएंगे कि भाई हम आपके एक मुकाम में रेस्क्यू सेंटर में वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या खुले एरिया में रहेंगे और अच्छे वातावरण के रूप में उनकी ज़्यादा हम सुरक्षा और संरक्षण करेंगे, जो उनकी भावना है उनकी भावना को रखते हैं उससे भी हम अच्छा प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है वो मुकाम से भी हमें ब्लैक बक यहाँ मिल जाएंगे, तो आने वाले समय में फिर इनकी विजिबिलिटी और अधिक होगी। आज भ्रमण के दौरान भी काफ़ी संख्या में ब्लैक बक और चिंकारा, विभिन्न बर्ड्स की विभिन्न प्रजातियाँ, खरगोश काफ़ी इसमें दिखे हैं और हमारे वाटर पॉइंट्स भी सब भरे हुए हैं पानी से, हमने सोलर पंप से कनेक्ट किया है, पानी से पाइपलाइन से सब जोड़ रखे हैं, तो ये आने वाले समय में एक अच्छा एरिया विकसित हो रहा है। तो माना जा सकता है, बल्कि उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व की तरह जो और एरियाज में वन विभाग द्वारा रिवाइल्डिंग व सफारी योजनाएं लाई जा रही हैं वह पर्यावरण संरक्षण में एक अहम योगदान करेंगे। धन्यवाद।